आप सब स्वयं देख सकते हैं, अभी जो पिछले दिन मतदान हो रहा था तो कई जगह वोटरों को मारा गया, फतुहा में मारा गया और उधर हमारे दूसरे क्षेत्र में भी बख्तियारगंज के आसपास वहाँ भी, और राजद के गुंडों ने वोटर्स को मारा कि तुम कमल को या तीर को क्यों वोट दे रहे हो, FIR भी हुई है। अब इस फ्रस्ट्रेशन के बाद कुछ कहने की ज़रूरत थोड़ी है, ये फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि राजद और महागठबंधन ये लोग चुनाव हार चुके हैं। और इनके फ्रस्ट्रेशन का एक और नज़ारा आपने देखा होगा, यहाँ पे जब सुशांत के बारे में लड़के बिहार के युवा पूछ रहे हैं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये लोग उन पत्रकारों पे हमले करा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं जो सुशांत की बात उठाते हैं। तो कुल मिला के समझ लीजिए कि हमारा मनोज तिवारी जो अपनी नज़रों से देखा है, हम आराम से 150 के पार होंगे। सर एक दूसरा सवाल ये है कि राजद का ये दावा है आज कि हम सेकेंड फेज में ही 100+ हो चुके हैं, सीमांचल और कोसी तो मेरा अपना इलाका है, तो बड़ी अच्छी बात है। हो गए तो 10 तारीख को मंगलवार है और जिसका मंगल होना होगा हो जाएगा। बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है किसके साथ मंगल है किसके साथ जंगल है। सर एक अंतिम सवाल, सर आपकी छवि तो काफ़ी पहले से अभिनेता की रही है और निश्चित तौर पर आपकी छवि बहुत ही विवादास्पद कभी नहीं रही। सर ये शॉर्ट फेज के चुनाव से पहले ये जो NRC और घुसपैठियों का मामला हुआ, इस पर आपकी अपनी व्यक्तिगत नहीं, देखो आप लोग चौथा स्तंभ हैं, आप स्वयं सोचें कि जिन्ना समर्थक बिहार में चुनाव लड़ेंगे, आप स्वयं सोचें क्या भारत में एक और पाकिस्तान बनाने की मुहिम को हम शक्ति दे सकते हैं, आप स्वयं बताएं कि क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले लोगों को हमारे बिहार में कहीं जगह मिल सकती है। हम लोगों का नारा है दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे।